Listen, Sarojini Hemrom. इस बिल के ऊपर बोलने का मौका दिया इसलिए मैं धन्यवाद अदा करती हूँ। सर, आज देश में बैंक की जो स्थिति है और उस पर एनपीए की वृद्धि जो हो रही है और उसको सुधारने के लिए ये बिल लाना बहुत ही जरूरी था, और इसका समर्थन करते हुए माननीय वित्त मंत्री को मैं धन्यवाद देती हूँ। सर, हमारे देश में बैंक लोन डिफॉल्ट एक बहुत ही बड़ा समस्या है, जो अन्य देशों की तुलना में हमारे यहाँ जो एनपीए सबसे ज़्यादा है। एनपीए की बात करें तो आज ये 9.5 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा हो गया है, उसके वजह से बैंक दिवालियापन की तरफ बढ़ रही है। सर, जो चुनिंदा उद्योगपति हैं, बड़े लोग जो है, जो कॉरपोरेटर है, जो लगभग 12 या 13 है, 2.5 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा एनपीए बोल उनके ऊपर है, तो यानी पूरे एनपीए का 1/4 केवल उनके ऊपर कर्ज है। तो सर, उस बैंक को वसूल नहीं कर पा रहे हैं, ये बहुत ही बड़ा चिंता की बात है। जो सर कानून में संशोधन पहले भी कई बार किया गया है और नई कानून की बनाए हैं, लेकिन एनपीए की समस्या घटने की बजाय बढ़ती सर जा रही है। सर, अभी जो बिल के माध्यम से आरबीआई को और अधिकार दिया जा रहा है कि वो इंसॉल्वेंसी कोड के माध्यम से जो स्ट्रेस्ड एसेट पर लगाम लगाएं। सर, हमें ये देखना पड़ेगा कि असली समस्या कहां पर है। जो मेरे विचार में बैंक में जो करप्शन वेस्टेड और वेस्टेड इंटरेस्ट इसके लिए ज़्यादा जिम्मेदार है। जो सर कॉरपोरेट्स है, जो अमीर लोग हैं, जो बैंक के साथ साठ गांठ करके नियम पर हेर फेर करके बैंक का पैसा हड़प कर जाते हैं, जो गरीब लोग हैं उनको मेहनती का कमाई है और जो सेविंग किया गया रुपये वो सर हड़प कर लेते हैं, और जो बड़े बड़े जो कॉरपोरेट्स है, जो कंपनी है, जैसे कि स्टील कंपनी जो है, जो सारे माननीय सदस्य ने बहुत ये व्यक्त किए हैं, तो उनका सर अभी तक रिकवरी नहीं किया गया है। जो आप भूषण कहे, भूषण स्टील कहे, कि आपका जो इसर स्टील कंपनी कहे, या आपको लिंकोस कहे, और भी बहुत बड़े बड़े सर कंपनीज है, उनका सर रिकवरी अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन जो सर गरीब लोग है, जो उन 5000 या 1000 रुपये यदि लोन लिया है, तो उनको बार बार रिकवरी करने के लिए वो बैंक का मैनेजर और सर भेजते हैं। तो सर, हम लोग जो प्रधानमंत्री जो जनधन योजना के अंतर्गत भारत के 28 करोड़ बैंक अकाउंट खोला रहा है, और उन लोगों के माध्यम से 40,000 करोड़ रुपया जमा हुए हैं, तो उन गरीबों की रुपयों अगर उद्योगपति लेकर चले जाए, इसका लाभ गरीबों को सर नहीं मिलेगा। इसीलिए ये जो बिल के माध्यम से कड़ी उनको सजा देने के लिए मैं आग्रह करूंगी। और जो नॉन ऑफिशियल फिगर के हिसाब से जो एनपीए धीरे धीरे बढ़कर 15 लाख करोड़ रुपये होने को जा रही है, ये चिंता की बात है। ये किसी वजह से हुआ है, कौन जिम्मेदार है, इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदार डालनी चाहिए ताकि आगे ऐसे नहीं हो पाए। और सर मैं सर जो बड़े जो उद्योगपति हैं और सभी ने हमारा जो मेंबर्स जो ये जताए हैं कि उनका जो उद्योगपति का नाम खुलासा करें, और जो कि वो आज उन्होंने लाखों करोड़ों अरब रुपये वो कर्जा लेकर बैंक को डुबाया है, ये बहुत ही चिंता की बात है। उनके खिलाफ सख्त और कठोर दंड विधान किया जाए। मैं इस बिल को समर्थन करते हुए मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद श्री वीर सिंह।